अस्सलाम वालेकुम पाक पीलर्स, मेरा नाम मुस्तफ़ा गाजी और आज है 14 अगस्त। तो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी मुबारक। तो इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट जो है हमें मिल गया है, काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि हमारी नेबरिंग कंट्री भी एक ईवी लॉन्च कर रही थी, तो पाकिस्तान में भी फाइनली इंडिपेंडेंस डे पे अपनी नेटिव पाकिस्तानी ईवी हैचबैक जो है लॉन्च हो गई है। तो ये गाड़ी जो है प्रोटोटाइप है, ये लॉन्च होने वाली है कुछ ही लम्हों में, तो इसका आपको अनवेलिंग करके दिखाते हैं। तो ये है नूरे 75 जो कि आज 14 अगस्त के मौके पे लॉन्च हुई है बाय डाइस फाउंडेशन। तो इसके जो हेड हैं खुर्शीद कुरैशी साहब, उनसे उनको इनवाइट करते हैं और पूछते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, इस गाड़ी की स्पेसिफिकली थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी जो है इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन भी देख सकते हैं तो काफ़ी रेमिनिसेंट है दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से। तो ये इसमें हमारे डाइस फाउंडेशन के मेंबर्स भी हैं और जो एक्सपेट्रिएट हैं पूरे जो यूके जिन्होंने डिज़ाइन की है, और लोकल पार्टनर्स भी हैं। तो इसमें हमारे जो लोकल पार्टनर्स हैं, एनडी यूनिवर्सिटी है, नस्ट यूनिवर्सिटी है, डीएचए सुफा है, एनसीए है, टैप्टा पंजाब है, सर सैद यूनिवर्सिटी है। तो एनसीए लाहौर ने इसकी एक्सटीरियर विजुलाइजेशन की है इस पूरी गाड़ी की, नेशनल कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स जो है। जो मेन इलेक्ट्रिक गाड़ी का एक जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी बैटरी रेंज कितनी है, पावर कितनी आउटपुट? ये 35 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी है। और ये लिथियम आयन बैटरी? लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से वो सेफर है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। और ये बैटरी पैक जो है हमारा लिक्विड कूल्ड है, और इस लिक्विड कूल्ड है, और इसमें ये भी हमने टेक्नोलॉजी रखी है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कूलेंट आपका ज़्यादा हॉट हो जाता है तो चिलर ऑन हो जाता है, तो वो पहले कूलेंट को ठंडा करता है तब वो बैटरी से जाता है। अच्छा, ये रेंज कितनी देती है ऑन फुल चार्ज? ये अभी जो हमने टेस्टिंग की है फ़िलहाल, वो एक जो अगर एक चार्ज में 210 किलोमीटर्स की रेंज है इसकी इस वक्त विद एसी ऑन। ठीक है, अगर इसकी थोड़ी सी फीचर्स की बात कर लें, मेन सेलियंट फीचर्स हैं वो इसमें क्या क्या मौजूद हैं गाड़ी? इलेक्ट्रिक कार है, ये रेंज मैंने आपको बता दी कि 210 किलोमीटर्स है इसकी। चार्जिंग तकरीबन 8 घंटे, आप 220 वोल्ट जो रेगुलर आपके घर का जो आउटलेट है उससे आप लगा दें, और रात को और सुबह उठे चार्ज होगी, 3 दिन तक चलाते रहें, 2-3 दिन तक आप ऑफिस जाएँ वहाँ भी चार्ज कर लें। तो इसकी ईज़ ऑफ चार्जिंग इसमें है। फिर दूसरे जो स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं वो तो हैं सारे इसके अंदर, ब्लूटूथ भी है, रियर व्यू कैमरा भी है इसके अंदर, आपकी फोल्डिंग मिरर्स हैं और सारे ऑटोमेटेड हैं इसमें, जो आपके विंडो ग्लासेस हैं ये ऑटोमेटेड हैं सारे, और से लेदर सीट्स हमने इसमें प्रोटोटाइप में तो डाली हैं, स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग में स्टेयरिंग टिल्ट है, टेलीस्कोप है। ठीक है। अच्छा, वैसे ही गाड़ी अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है, ट्रायल एंड एरर फेज़ में है, लेकिन ये कब तक एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट हो जाए? जी, Q4 2024 वो टारगेट है हमारा कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में ये गाड़ी प्रोडक्शन में आ। और अगर आप शेयर करना चाहें कि प्राइस ब्रैकेट क्या होगा, या पॉकेट फ्रेंडली होगी या विल इट बी हाई एंड? देखें, तो ये असल इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम चेंज नहीं कर सकते। बैटरी कॉस्ट एक स्टैंडर्ड है बैटरी सेल्स की, लिथियम आयन बैटरीज की, तो 10 लाख की तो बैटरी पड़ जाती है। अच्छा, ठीक है ना। तो इसमें कॉस्ट तो थोड़ी ज़्यादा होगी है, लेकिन इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि एक चार्ज आप जब इसे करेंगे, अगर 35 किलोवाट आवर है ना, 35 यूनिट बनता है वो, तो 35 यूनिट को वैसे अगर आपने पूरी बैटरी तो चार्ज नहीं करते आप, ठीक है, 30 यूनिट चार्ज किया, एक यूनिट की कॉस्ट 30 रुपये है, तो 900 रुपये में ये चार्ज हो जाएगी गाड़ी, और 900 रुपये में चार्ज होने के बाद 210 किलोमीटर जाएगी। अगर 210 किलोमीटर आप गैसोलीन वाली गाड़ी को लेके जाएंगे तो 4-5 हज़ार का आपको पेट्रोल लग जाएगा। तो वो सेविंग एक मरतबा इनिशियली आपने उस पर खर्च कर दिया, बट एवरी ईयर इट इज़ गोना पुट बैक मनी इन योर पॉकेट, 2.5 लाख रुपए की सेविंग रिकवर हो जाएगी। एग्जैक्टली, 3-4 साल में रिकवर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच खुर्शीद साहब, आपने अपनी गाड़ी के बारे में बताया, एंड वी होप कि ये पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल आएगी। बिल्कुल, हम इसे पाकिस्तान में भी आएगी, इसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर हम SUV भी बनाएंगे और इसी भी प्लेटफॉर्म पे सेडान भी बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब आपको गाड़ी की थोड़ी एक्सटीरियर लुक्स दिखा देते हैं। फ्रंट आप देख सकते हैं, ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा होंडा ई जो होंडा बनाती है उससे काफ़ी सिमिलर है। आप इसे होंडा N1 से भी कंपेयर कर सकते हैं, जो फ्रंट ग्रिल है पूरी ग्लॉस ब्लैक में। फ्रंट में आपके प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं हेडलाइट्स में, सराउंडेड बाय DRL। नीचे आपका जो बम्पर ही एक्सटेंड हो रहा है ब्लैक ग्लॉस ब्लैक में। अच्छा, एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसकी जो पेंट जॉब की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। ये प्रोटोटाइप है इसलिए अभी ये फाइनल स्टेजेस में नहीं है। फ्रंट में आपके चार्जिंग पोर्ट आ जाते हैं बीच में, जहाँ लोगो है। अराउंड 210 किलोमीटर्स की रेंज देगी। फास्ट चार्जिंग 2 आवर्स में चार्ज हो जाती है फुल चार्ज पे, लेकिन जो नॉर्मल आपका जो घर का चार्जर होता है 220 वोल्ट्स पे, वो 7 से 8 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो। साइड्स पे आ जाएँ,
तो जो सबसे मेन हाईलाइट है गाड़ी की, जो कि मुझे सबसे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगी, वो है इसके ब्लैक 16 इंच के रिम्स हैं, 205 टायर्स हैं। ओवरऑल जो रिम का डिज़ाइन है स्टार स्टाइल में रिम्स हैं और काफ़ी साइड मिरर्स पे आ जाएं तो काफ़ी लोगों को पता होगा, देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये टोयोटा के मॉडल्स के साइड मिरर्स हैं। तो ये अभी प्रोटोटाइप है, तो आगे जाके ये चेंज हो जाएंगे। अब आप जो ये कर रहे हैं ना, ये ना कीजिए जी, अभी आप जिसका टोयोटा की गाड़ी का साइड मिरर कहा है, ये टोयोटा का, ठीक है ना, टोयोटा का हो या किसी का भी हो, ये पाकिस्तान की गाड़ी है। नहीं नहीं, हमने शुरू में डिक्लेयर कर दिया ना, इट्स अ प्रोटोटाइप। थैंक यू। 275 आपने अभी देखा होगा कि इंडिपेंडेंस डे पे एक इलेक्ट्रिक कार जो है अनाउंसमेंट हुई थी कि डाइस फाउंडेशन लॉन्च कर रहे हैं। हमने उसका एक आपको फर्स्ट इंप्रेशन दिया था, उसका फर्स्ट लुक रिव्यू भी हमने बनाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जैसे रिव्यूज़ बनाते हैं उसमें गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स दोनों जो है शामिल होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आवाम को वही चीज़ दिखाएं जो कि इन रियलिटी है और गाड़ी को अच्छी तरह पोर्ट्रे करें। कुछ गाड़ी में जो है डिफेक्ट्स थे, कुछ फॉल्ट्स थी जो कि हम सिर्फ दिखा रहे थे लेकिन वी वर नॉट अलाउड टू। तो अभी तो इनका मेनली तो उन्होंने आफ्टर मार्केट पार्ट जिसका खुद जिक्र किया था, बिल्कुल तो उसका नाम लेने से मना कर दिया, कंपनी का नाम ले लेंगे इस कंपनी का। हाँ, तो जैसे साइड मिरर्स हो गए, कुछ पार्ट्स जो है वो डिफरेंट कंपनीज के पार्ट्स गाड़ी में लगे हुए थे, लेकिन वो भी हमें बताने से मना कर दिया। लेकिन पॉइंट ये है ना कि अगर आपकी चीज़ अभी फाइनल नहीं हुई है, अब मेरी जो उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने मुझे बताया है कि डिज़ाइन के अंदर भी चेंजेस हो सकती हैं इसके अंदर। जो उसका इंटीरियर था, उसका जो डिज़ाइन है वो भी फाइनलाइज नहीं हुआ, फिर जो उसकी कुछ चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक फाइनलाइज ही नहीं हुई। तो हमारा पॉइंट ये है कि अगर एक गाड़ी का प्रोटोटाइप भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि आपकी फ्यूचर प्रोडक्शन में जो गाड़ी आपकी आएगी उसका एक इनएक्यूरेटी सही, लेकिन एक आइडिया एक मिल जाए कि किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अब इंटीरियर के अंदर जो है वो उनको था कि वो प्रोटोटाइप है नहीं दिखाएं, तो मैंने कहा डिज़ाइन जो है वो आपका सेम रहेगा, हम डिज़ाइन पे बात कर सकते हैं, एक्सटीरियर के डिज़ाइन पे बात कर सकते हैं, जो उसके अंदर लाइट यूज़ हुई है, जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कुछ इसका नहीं पता कि ये हम जो है वो शायद चेंज कर दें, अभी जो है वो खाली उसका जो प्लेटफॉर्म है और बैटरी है वो हमारी फाइनल हो गई है। तो एक ओवरऑल वर्डिक्ट आपको बता देते हैं ये न्यू री 75 का, कि आप इसे एनीवेयर सून जो है आप इसे एक्सपेक्ट ना करें। ये गाड़ी 2024 जैसे कंपनी क्लेम करी है कि 2024 में इसकी प्रोडक्शन जो है एस्टिमेटेड स्टार्ट है। अभी जो है इसका सिर्फ प्रोटोटाइप बने हैं, वो भी बिल्कुल जो है इन्होंने जल्दी से लॉन्च कर दिया है इंडिपेंडेंस डे पे। कुछ फाइनल नहीं है तो उस हवाले से कुछ भी नहीं कह सकते, और जब कुछ नहीं है तो फिर वॉक अराउंड का क्या तुक बनता है। अननेसेसरी डिटेल से ज़्यादा जो आप लोगों को गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो अगर हमें अलाउ नहीं करेगी कंपनी बताने के लिए तो देयर इज़ नो पॉइंट। लेकिन फिर भी वी विश देम द बेस्ट ऑफ लक के आगे ये कामयाब हो इनका प्रोडक्ट, और ईवीज़ जो हैं पाकिस्तान में ग्रो करें, और जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस हैं तो इलेक्ट्रिक कार्स ये एक सोल्यूशन है। तो वी विश देम द बेस्ट ऑफ लक, और अगर आपको ऐसी डिटेल्स अगर इसकी आपको जाननी है, डिटेल्स देखनी है, तो लिंक पे क्लिक करें। और जो अभी तक जो डिटेल्स जो क्लेम की गई हैं वो आप देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, और इसकी जो पिक्चर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं। बाकी मज़ा आए डाइस वाले ये वीडियो देख के, तब जाएं और उसके बाद बोलें अब तो हम 2024 में ही लॉन्च कर देंगे इसको। आई होप सो। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।